बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइफस्टाइल विद अरूज में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है रजब स्पेशल मीठी शाही गुजिया की रेसिपी। मीठी शाही गुजिया हमारे यहाँ बिना खोए के मिल्क पाउडर से किस तरह बनती है, आज मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और इसके साथ खीर को भी सर्व करें। रमजान में भी एक वक्त में बहुत सारी गुजिया बनाकर रख लें। अफ्तारी के बाद जब मीठा खाने को दिल करता है तो इसमें भी बहुत ही मजे की लगती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने शीरे की तैयारी की। जिस हिसाब से मैंने गुजिया बनाई है इसी हिसाब से मैंने शीरा भी तैयार किया है। शीरे के लिए मैंने चीनी 3/4 कप और पानी 1/2 कप लेकर मैंने शीरा रेडी कर ली। शीरे को मैंने एक तार तक होने का रेडी किया था। दूसरी तरफ मैंने गुजिया की फिलिंग की तैयारी की, जिसके लिए मैंने सूजी 2 टेबल स्पून भर कर ली है, मिल्क पाउडर 1/2 कप, पिसी चीनी 3/4 कप और नट्स में मैंने बादाम, काजू, पिस्ता, खोपरा, किशमिश, अखरोट सब मैंने 1-1 2-2 टेबल स्पून लिए थे। आप अपनी मर्जी से नट्स ऐड भी कर सकते हैं और क्वांटिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और अगर फिलिंग बच जाए तो इसे और भी चीजों में यूज कर सकते हैं। और 2 हरी इलायची ली थी मैंने, आप चाहें तो आप इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून घी को गरम करके सूजी को भूना। साथ में मैंने हरी इलायची भी शामिल कर दी। जब सूजी भूनने की खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें नट्स शामिल कर दिए और नट्स के साथ पिसा खोपरा भी शामिल करके 20 से 30 सेकंड के लिए हल्का सा रोस्ट किया। जब हल्की हल्की धीमी धीमी खुशबू आने लगी तो इसे जलने नहीं दिया और एक प्लेट में निकाल लिया। साथ में मैंने दोबारा 1 टेबल स्पून घी लिया और घी को गरम नहीं किया और साथ में मिल्क पाउडर भी शामिल कर दिया और बहुत ही लो फ्लेम पर मिक्स करती रही। और मिल्क पाउडर के साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून दूध भी डाल दिया और दूध डालकर भी मिक्स करती रही। जब खोया फॉर्म में आने लगा तो फिर मैंने इसे फ्लेम ऑफ करके निकाला और इसे रेस्ट करने के लिए रख दिया। अब इन सब चीजों को पिसी चीनी में शामिल कर दिया। साथ में मैंने खोया भी डालकर मिक्स किया। फिलिंग रेडी है। गुजिया बनाने के लिए मैंने 1/4 कप मैदा लिया। इससे बआसानी 9 से 10 अदर गुजिया रेडी हुई है। फिर इसमें 1 टेबल स्पून घी और पिंच सॉल्ट डालकर इसका आटा लगा लिया। फिर आटे को 10 से 15 मिनट कवर करके रेस्ट किया। फिर काउंटर टॉप पर निकाल कर मजीद नीट किया। फिर छोटी छोटी बॉल्स बना ली। फिर एक पेड़ा उठाकर इसे रोल करके छोटी छोटी रोटियां बनाई, बल्कि नॉर्मल साइज का बेला था। आप रोटी की थिकनेस देख सकते हैं। मैंने ये गुजिया बनाने के लिए ये मोल्ड लिया है। इससे बआसानी गुजिया तैयार हो जाती है। पहले मैंने रोटी रखी, सेंटर में मैंने फिलिंग रखी, साइड्स पर हल्का सा पानी लगाया, फिर प्रेस किया और एक्स्ट्रा आटा निकाल लिया। गुजिया रेडी है। और अगर